Assalamualaikum, I'm Dr. Duresha Vas Sikandar, मेरे और डर्मा केयर क्लिनिक बेलिया टाउन की तरफ से तमाम हम वतनों को 14 अगस्त पर यौम आजादी स्टे से स्टे है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, यौम आज़ादी के मौके पे कौम को ये पैगाम दूंगी कि आज़ादी की कदर कीजिए, अपने कश्मीरी बहन भाइयों की जद्दोजहद को इस दिन याद रखें और सेलिब्रेट करें यौम आज़ादी को, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए, ताकि हम जिम्मेदार नेशन कहलाएं। बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की ब्रिटिश राज से आज़ादी का दिन। इस आज़ादी को सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने या तो गुलामी देखी हो या गुलामी के बारे में दिल से पढ़ा हो। इस मुल्क की कदर करें और इस मुल्क की तरक्की में हर बंदा अपना किरदार अदा कर सकता है अगर हम इस मुल्क को अपना समझते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नबीद बाबर, प्रिंसिपल इसरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस मुखातिब हूँ। मेरी तरफ से आप सबको 14 अगस्त 2020 और आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी की असल हकीकत समझने के लिए हमें 1947 की वो वाक़ियात और नज़रियात को सामने रखना होगा जहाँ से गुजर कर हमारे आबाओ अजदाद ने ये कुर्बानियाँ देकर ये अजीम खिता हासिल किया। अब हमारा फ़र्ज है कि हम अपने अपने हिस्से का काम ईमानदारी, मोहब्बत और जज्बे के साथ करें, ताकि वतन अजीज दिन रात अल्लाह करीम के फजल से मजीद तरक्की करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस खास मौके पे हमारे पाकिस्तान और उनके शहरियों के लिए खास हेल्थ का मैसेज यही है कि आप अपनी और अपने साथ रहने वाले और जानने वाले लोगों की ज़हनी सेहत का खास ख्याल रखें। ज़हनी सेहत भी इतनी ही जरूरी है जितनी आपकी जिस्मानी सेहत जरूरी है। तो अगर आप समझते हैं और महसूस करते हैं कि आपके इर्द गिर्द कोई बंदा परेशान है या आपसे डिफरेंट बिहेव कर रहा है, तो प्लीज़ उन्हें अंडरस्टैंड करें, उनसे बात करें और उनको एक्सप्लोर करें और उनकी हेल्प करने की कोशिश करें और खुद भी खुश रहें और दूसरे लोगों में भी खुशियाँ बांटें। Happy 14th of August. Thank you. Assalamualaikum. This is Noman Siddiqui from Baltimore, Maryland. Just wanted to wish everyone a happy Independence Day. Please wear your mask, practice social distancing, and inshallah enjoy the holiday with the family. अस्सलामु अलैकुम। 14 अगस्त हमारे लिए ना सिर्फ यौम आज़ादी बल्कि तजदीद अहद का दिन भी है। मुसफ़िर पाकिस्तान की तस्वीर, कायदे आज़म के ख्वाबों की ताबीर, आज़ादी कश्मीर की तकमील तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। जो चाहे कर ले हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीक आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आनंद जुल्फिकार ज़फर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई लव माई नेशन, आई लव पाकिस्तान। 14 अगस्त के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब मिलकर एक यूनिटी के साथ इस कंट्री के लिए एफर्ट करें, इस कंट्री को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएं। एंड इस कंट्री के लिए हम ना सिर्फ हाइजीन का इसमें ख्याल रखें, बल्कि हर उस मैल प्रैक्टिस एंड करप्शन से इस कंट्री को सेव करने की कोशिश करें। इस कंट्री के जो राइट्स हैं, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, द 3 पिलर्स, वी शुड रियली वर्क ऑन दीज 3 पिलर्स एंड ओनली देन वी कैन मेक इट अ बेटर एंड अ प्रॉस्परस नेशन एज इट वॉज ऑलवेज ड्रीम्ड बाय अवर बिलव्ड लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अगेन 14 अगस्त is a very important day. We should all celebrate this day and we should always make some sort of commitments that our country should
be a prosperous and a successful nation and हमारे सिर्फ ये कमिटमेंट करने से नहीं बल्कि इस कमिटमेंट पर अमल करने से ही हम इस नेशन को एक बेहतर नेशन बना सकते हैं. थैंक यू सो मच. मेरा नाम प्रोफेसर शहजाद वसीम है और मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ. मेरी तरफ से और साइंटिफिक तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक. चौदह अगस्त मनाते हुए अपने सेहत का खास ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और बराए मेहरबानी मोटरसाइकिल को वन व्हीलिंग करने, रेस लगाने और सिलेंसर उतार के मोटरसाइकिल और प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल से ग्रेस करें क्योंकि आपकी ये खुशी बाद में एक लंबी परेशानी का बायस बन सकती है. और अपनी दुआओं में शहदाए वतन के अलावा जो कोविड के अगेंस्ट मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग शहीद हुए इनको भी याद रखिए. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर जुनेद जहांगीर अब्बासी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ. जश्न आजादी के मौके पर आए आज हम सब मिलकर यह अहद करें कि हम अपने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को न सिर्फ अच्छी तालीम दिलवाएंगे बल्कि उन्हें एक बाअमल और बा किरदार शहरी बनाएंगे ताकि हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल रोशन कर सकें. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान की सालगिरह की खुशी के मौके पर ज़रीना हसन आपसे मुखातिब. आइए एक होकर इस मुल्क को सबके ख्वाबों की ताबीर बनाएं. जश्न आज़ादी मुबारक. पाकिस्तान जिंदाबाद.